जय माता दी। दोस्तों मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे नए वीडियो में, और आज हम आए हैं माता रानी के पावन दरबार में। सो अगर आप भी अपने फ्रेंड्स फैमिली या रिलेटिव के साथ यहाँ की यात्रा करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ सभी जानकारियाँ जो इस यात्रा से रिलेटेड है मैं शेयर करूँगी, और एंड तक आई एम श्योर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जिससे आप इजिली यहाँ की यात्रा कर पाएंगे। सो प्रेम से बोलिए जय माता दी, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कटरा तक हम कैसे पहुंचे, हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा हमारी सिटी से, नेक्स्ट हमें रुकना कहाँ चाहिए, अपना स्टे कहाँ लेना चाहिए, होटल कहाँ लेना चाहिए, नेक्स्ट हम यात्रा कौन से मार्ग से करें, जैसे एक न्यून ताराकोट मार्ग है उससे करना ज़्यादा बेटर होगा, या फिर बाणगंगा मार्ग है जो कि पुराना रास्ता है वहां से करें उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वहां पे खाने पीने की क्या सुविधा है उससे रिलेटेड बताऊंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट RFID कार्ड, जो आपका यात्रा पर्ची पहले ऑनलाइन चलता था तो अब नाउ RFID कार्ड बनवाना होता है वहाँ, वो कैसे बनवाना है, उसका क्या रूल रेगुलेशन है, कहाँ से बनवाए, इजिली कैसे बन सकता है, वो मैं सारा डिटेल आपको बताऊंगी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सो माता रानी के दरबार तक जाने के लिए हमें सबसे पहले आना होता है कटरा। तो हम कटरा कैसे आएंगे, अपनी सिटी से आप देखेंगे आपके बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे आप कटरा पहुंच सकते हैं। पहले सबसे पहले हम देखेंगे फ्लाइट का, देन ट्रेन, बस एंड पर्सनल व्हीकल। तो फ्लाइट की अगर हम बात करें तो फ्लाइट का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट आएगा दैट इज जम्मू। आप जम्मू आके फिर वहां से टैक्सी हायर कर सकते हैं अगर आप ग्रुप में हैं, फैमिली के साथ हैं, अदरवाइज वहाँ शेयरिंग बसेज चलती है, आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो कुछ डिटेल्स इससे रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा आ जाता है ट्रेन। अगर बाय ट्रेन आप आना चाहते हैं तो आपके जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कटरा रेलवे स्टेशन है, बट कहीं किसी किसी सिटी से मे बी आपको अगर डायरेक्ट कटरा की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जम्मू तवी एक रेलवे स्टेशन है वहां आ जाए, वहां से अराउंड 40-45 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है जिसको आप बस और टैक्सी से इजिली कवर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज बस। आप बस से अगर आना चाहते हैं तो दिल्ली NCR से बहुत सारी बसेज हैं जो डायरेक्ट कटरा तक अराउंड 12-13 आवर्स की जर्नी होती है, और आपको डायरेक्ट कटरा वो बस स्टैंड पे ड्रॉप कर देते हैं। तो ये सबसे इजीएस्ट है क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस बुकिंग नहीं करनी होती है और आप इजिली माता वैष्णो धाम पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा हम स्टे कहाँ करें। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप बस स्टैंड के नियर बाई जो होटल्स हैं वहाँ स्टे करना चाहते हैं वहाँ भी ऑप्शंस हैं, और जो माता वैष्णो देवी का ऑफिशियल साइट के थ्रू एक श्राइन बोर्ड का जिसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप अगर उसके थ्रू बुकिंग करके आना चाहते हैं होटल्स, वो भवन पे भी बहुत सारे होटल्स ऊपर आपको मिल जाएंगे, वहाँ के लिए बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप निहारिका कॉम्प्लेक्स जो कि बस स्टैंड में है वहाँ बुकिंग करना चाहते हैं तो वहाँ भी अराउंड 1500-2000 के रेंज में आपको रूम्स मिल जाएंगे डबल शेयरिंग में। नेक्स्ट मगर इसकी प्रीवियस बुकिंग होती है, आपको प्री बुक करना होगा, अराउंड 30-60 डेज पहले बुकिंग होती है, ऑनलाइन आप कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमने किया था, हमने अराउंड 700 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम बाणगंगा चेक पोस्ट हमने होटल लिया था, होटल हरी रिजॉर्ट जिसका वीडियो मैं आपको शो कर रही हूँ। द होटल वॉज डिसेंट, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, अच्छी सर्विस थी, होटल का रूम भी बहुत अच्छा था आप देख सकते हैं, और इससे जो मेन बेनिफिट था कि जो बाणगंगा चेक पोस्ट है वो अराउंड 700-700 मीटर की डिस्टेंस पे था जो कि हम इजिली वॉक करके कवर कर सकते थे, और हमें जैसे कि मॉर्निंग निकलना था अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, तो हमने इसलिए भी इस होटल को चूज किया था। और इसमें मेन जो बेनिफिट था दैट इज पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग स्पेस बहुत ज्यादा है, सो अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो ये मस्ट ऑप्ट ऑप्शन है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने होटल हरी रिजॉर्ट। तो इस होटल में हमने लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे विजिट किया था तो हमने स्टे किया था, ये यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट होटल में से है। क्यों? क्योंकि यहाँ की रूम बहुत ही डिसेंट है, हाइजीनिक है, स्पेसियस है, और इनके पास अपनी खुद की इनफ स्पेस वाली पार्किंग है। और अगर हम बात करें कि जैसे अर्थ कुमारी हम गए और हमें वहाँ स्टे करना है तो वहाँ के लिए जैसे श्राइन बोर्ड पे आप चेक कर सकते हैं, पहले आपको देखना होगा अराउंड 30-60 डेज पहले देखना होगा, वहाँ पे जो भवन है उसकी रूम्स की अवेलेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको 1500-2000 के आसपास का रेंज रहेगा, और जो डॉर्मेट्री की बात करें वो भी अराउंड 150 का चार्ज रहता है। सो ये प्रॉपरली आपको जो लिंक मैं प्रोवाइड करूँगी श्राइन बोर्ड का उसके
के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करके चेक कर सकते हैं, साइन अप करके कि रूम्स का क्या प्राइस है, कितने दिन पहले बुक करना होगा आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वहां जाके करेंगे तो इट टोटली डिपेंड्स कि अवेलेबल है रूम्स तो ही आपको मिलेंगे और हाई चांसेस कि अवेलेबल नहीं ही रहते हैं। सो इट्स बेटर कि आप प्री प्लानिंग करें, अदरवाइज आपको वन डे में ही अपनी यात्रा को रखना ज्यादा बेटर होगा, जैसा कि हमने किया था। हमने स्टार्टिंग की थी 4 o'clock और रात को लगभग अराउंड 1 बज गए थे हमें वापस लौटते हुए। वो मैं प्रॉपर डिटेल्स आपको आगे शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा सिम। अगर आपके पास कोई प्रीपेड सिम है और आप ट्रैवल कर रहे हैं जेएन के और जैसे ही आप कटरा पहुंचेंगे तो आपकी प्रीपेड सिम की नेटवर्क चली जाएगी, तो अगर कोई पोस्टपेड सिम कैरी कर रहे हैं आप तो उसमें नेटवर्क रहेगा, आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वहां पहुंचने के बाद आपको यात्री सिम लेना होगा जिसका कॉस्ट अराउंड 300, 350 और 400 के अप्रॉक्स रहेगा, जो हमने चूज़ किया था दैट इज़ फॉर एयरटेल। एयरटेल का सर्विस वहां ज़्यादा अच्छा है, नेटवर्क ज़्यादा अच्छा है। एयरटेल का 400 का सिम था जो हमने था 1.5 GB पर डे अगर आपका 4G फोन है, और हमने लिया था 5G अनलिमिटेड था, उसी में 5G फोन है तो आपको 5G का नेटवर्क मिलेगा अनलिमिटेड। सो सर्विस वाज गुड, हमने जितनी भी जगह ट्रैवल किया J&K में तो नेटवर्क स्टेबल था, आप एयरटेल के नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज RFID कार्ड। सो RFID कार्ड के लिए लाइंस बहुत ज़्यादा होती है, प्रोसेस इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है उसमें। नॉर्मली आपसे आधार, आपका पिन कोड और एक आपका फोटो लेते हैं, बट रश ज़्यादा होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, इस वजह से आपको टाइम लगेगा। 1-2 hours आप लेके चले नॉर्मली आपका लग जाएगा। इसमें मेनली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज 6 hours की इसकी वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी मीन्स कि जैसे आपने RFID कार्ड जिस टाइम बनवा लिया उसके विद इन 6 hours आपको जो भी चेक पोस्ट क्रॉस करनी है, लाइक ताराकोट से आपको अगर एंटर करना है, चढ़ाई करनी है, या फिर बाणगंगा के थ्रू करना है, तो आपको उस चेक पोस्ट को क्रॉस कर देना होता है, सिक्योरिटी चेक आपका हो जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो आपका RFID कार्ड है जो आपने बनवाया वो एक्सपायर्ड माना जाएगा और आपको फिर से आपको RFID कार्ड बनवानी पड़ेगी। सो इस बात का आप ख्याल रखें। RFID सेंटर्स जो होते हैं, जो मैंने आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, इनका जो टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग 5 o'clock से लेके 10 PM रात तक रहता है। मे बी समटाइम ड्यू टू लाइक वेदर कंडीशन ये टाइमिंग थोड़ा चेंज भी हो सकता है, बट जो बेसिकली इनकी टाइमिंग है वो 5 AM टू 10 PM है। तो हम ही पहुंच चुके हैं यात्रा पर्ची काउंटर नंबर 2 जो बस स्टैंड के पास में है, और यहाँ आप देख सकते हैं अभी रश ज्यादा नहीं है और हमें अपना RFID कार्ड मिल चुका है। और अगर हम बात करें यात्रा पर्ची की, जो कि ऑनलाइन हम लोग लेते थे, इवन अभी भी है, आप ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते थे, हमने भी कैरी किया था, बट एज ऑफ नाउ अभी के टाइम में वो यूजफुल नहीं है, आपको वहां जाके सेंटर पे RFID कार्ड ही लेनी होगी। और रिटर्निंग में आपको ये RFID कार्ड रिटर्न कर देना होता है एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक पोस्ट। और आपको हम दिखाएंगे कि बाणगंगा रूट और न्यू ताराकोट मार्ग में क्या क्या रूट है, जैसा हमने कि आप देख सकते हैं रूट पूरा खाली है, कितना क्लीन है, कितना हाइजीन है, रश नहीं है यहाँ पे। तो जिनको रश नहीं चाहिए वो यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, जिनको रूट साफ चाहिए, क्योंकि बाणगंगा में क्या होता है कि घोड़े आ रहे हैं, पिट्ठू आ रहे हैं, थोड़ी गंदगी वगैरह भी हो जाती है, एनी मतलब गंदगी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन आपको अगर बिना रश का और साफ रूट चाहिए तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सर्विस चाहिए तो आपको बाणगंगा रूट से जाना चाहिए, और अगर आप नॉर्मल वॉक करके जाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है ताराकोट मार्ग, इसमें आप आराम से पैदल यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप बाणगंगा मार्ग से अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो घोड़े, पिट्ठू, पालकी के रेट्स के रिलेटेड मैंने कम्प्लीट वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको बाणगंगा और ताराकोट मार्ग के डिटेल वीडियो देखनी है, वो भी हमारे चैनल पे डली हुई है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने बताया है कि आप दोनों ही मार्ग, आप कौन से पर्सन को कौन सा मार्ग चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए। इन बिटवीन ट्रैक आपको पानी के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसे बहुत सारे वाटर पॉइंट्स वाटर रिफिल करने के लिए बनाए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको इन रूट में, आप रूट में ट्रैक कर रहे हैं और कोई भी इशू होता है तो इन दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। और ये है 3.5 किलोमीटर मतलब 2.75 किलोमीटर न्यू ताराकोट मार्ग स्टार्टिंग से आप पहुंच जाएंगे लंगर पे, और यहाँ के तो नज़ारे देखे वाओ। तो लंगर से 200 मीटर आगे
और न्यू ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर पे आपको आगे मिलेगा मेडिकल यूनिट। ये उन लोगों के लिए या उस कंडीशन के लिए यूजफुल है इनकेस जिनको रास्ते में आते हुए कुछ मेडिकल इशू हो गया तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जय माता रानी। तो हम सिर्फ 2 घंटे 50 मिनट में पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी न्यू ताराकोट मार्ग से, जिसमें हम बहुत ही आराम से चले। हमने स्टॉप लिया, लंगर में खाए और व्यू पॉइंट्स पे एंजॉय करके आए और यहाँ पहुंच चुके हैं जहाँ पे बैटरी कार भी मिलती है। तो देखते हैं वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हम पहुँच चुके हैं बैटरी कार बुकिंग सेंटर पे, जहाँ पे बैटरी कार के लिए बुकिंग होती है अर्धकुमारी में, और भीड़ अच्छी खासी ठीक ठाक भीड़ है। और यहाँ की जो ट्रिप होती है वो बहुत सारे फेजेस में होती है जिनके टाइमिंग्स ये रहे। अगर आपको ऑफलाइन टिकट तो आपको यहाँ फ्रंट में जाना होगा, ठीक है, आपको वेट करना होगा, पहले ऑनलाइन वालों का टिकट हो जाता है। और अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो आपको ठीक इसके बैक साइड में लाइन लगना होगा। जिनके पास ऑनलाइन टिकट होता है तो आपको यहाँ इसके बैक साइड में लाइन लगना होगा, वरना फिर उधर ऑफलाइन वालों के लिए। ये हमारी बैटरी कार अलॉट हो चुकी है और इसमें बैठेंगे अभी। तो बैटरी कार के लिए जैसे आपने देखा अभी, ऑफलाइन के लिए अलग लाइन होती है, ऑनलाइन के लिए अलग लाइन होती है। तो इट्स बेटर, और मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि आप ऑनलाइन बुक करके ही जाए, चाहे वो बैटरी कार हो या रोपवे। तो बैटरी कार अगर आप करके जाएंगे और अगर आपको ऑप्ट करना ही है कि जाना ही है बैटरी कार से, तो बेटर है पहले ऑनलाइन बुक करके जाए। स्लॉट के लिए आपका जो स्लॉट टाइमिंग रहेगा, आप उसके हाफ एन आवर पहले आपको पहुंचना होता है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। पार्वती भवन और यहाँ पे लगेज काउंटर है, तो नीचे से हमें एक पर्ची लेनी होगी और फिर ये स्लिप लेके जाना होगा फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे हमें लगेज ड्रॉप करना होगा। और माता रानी के दर्शन के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि आपका अपना लगेज किस साइड से मिलेगा। तो यहाँ से आपको 100 रुपीज दे के एक आपको स्लिप मिलेगी आपके लगेज के लिए, और आपको एक बैंड मिलेगा, ठीक है। और ये आपको लेके जाना है फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे आपको अपना लगेज ड्रॉप करना होगा। और हालांकि ये जो 100 रुपीज आप पे कर रहे हैं ये रिफंडेबल रहेगा जब आप अपना लगेज लेंगे और ये स्लिप शो करेंगे। तो यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब आप माता के भवन के लिए लाइन में लगने जाते हैं दर्शन के लिए, जो मेन गुफा है पिंडी दर्शन के लिए माता के, तो वहाँ के लिए लॉकर रूम में जो भी सामान आपको रखने हैं उसमें सारे ही सामान आपको रख देने हैं एक्सेप्ट कैश, और अगर आपके रूम के या होटल की कीज है तो आप कैरी कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट कोई भी लेदर का सामान या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं अलाउड है, आप नहीं ले जा सकते हैं। आपका स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं होती है, वो लाइन में लग जाते हैं, फिर उनका काफी टाइम वेस्ट होता है फिर से लॉकर रूम में जाने और सामान रखने में। तो बेटर है आप सिर्फ कैश कैरी करें अगर नीड है तो, और प्रसाद ले जाना है प्रसाद ले जाएंगे आप, अगर माता के लिए चुनरी है वो सब ले जा सकते हैं। एक्सेप्ट दैट आप कुछ भी लेदर का या कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं कैरी करें अपने साथ। तो माता रानी के दर्शन हो चुके हैं और यहाँ से हमने लॉकर में लगेज रखने के बाद 9 बजे स्टार्ट किया था और अभी हो चुका है 12:30, लगभग 3.5 घंटा। 3 घंटा क्यों लगा है, क्योंकि लाइन में भीड़ ज्यादा था। और सारे डिटेल देंगे, अभी फटाफट चलते हैं रोपवे के लिए क्योंकि इसमें लंबी लाइन है, लेट हो जाएगा। ये आपको बहुत दूर से लाइन लगाना होगा, लेकिन अगर आपके पास रोपवे की ऑनलाइन टिकट है तो ठीक यहाँ मनोकामना भवन पे ऑनलाइन क्यों देख सकते हैं, यहाँ से आपको ऑनलाइन क्यों जाना होगा रोपवे के लिए भैरव बाबा के लिए। लेना चाहते हैं तो प्लीज ऑनलाइन बुक करके आए, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत कम लाइन में वेट करना होगा। तो जैसा कि ऑनलाइन हमने रोपवे बुकिंग किया था, तो हमें कुछ टाइम वेट करने के बाद हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की माता के भवन से रोपवे के थ्रू भैरव बाबा के लिए, जो कि मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ही हम भैरव बाबा के मंदिर पहुंच जाते हैं रोपवे के थ्रू। अब जब भैरव बाबा दर्शन के लिए आएंगे तो आपको भी यहाँ एक बार फिर से डिस्पेंसरी मिल जाएगा और जेएन के बैंक का एटीएम आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे भैरव बाबा का लंगर भी चल रहा है आजकल, भेंट प्रसाद भी आपको मिल जाएगा। भेंट प्रसाद, माला, कंठी, चूड़ी, बिंदी, ये जो भी कुछ है आप चाहे तो ले सकते हैं। और जस्ट इसके बगल में भेंट प्रसाद की शॉप है।
है, तो उसके बाद ठीक जो लंगर है उसके ठीक पास में है वे टू रोप वे। तो आपको यहाँ से नीचे जाना है और आप पहुँच जाएंगे रोप वे के लिए। जब आप तृप्ति भोजनालय के पास आप पहुंचेंगे तो एक इंक्वायरी एंड रिसेप्शन एरिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। जो हेलीकॉप्टर बुकिंग होता है सांझी छत से कटरा के लिए या फिर कटरा से सांझी छत के लिए, तो इसकी बुकिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अटका आरती में भाग लेना है और आप अटका आरती करना चाहते हैं तो गेट नंबर 5 से दुर्गा भवन के लिए यहाँ से एंट्री है। ये दुर्गा भवन है इसके ठीक नीचे, तो यहाँ पे अटका आरती के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और अटका आरती के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। भवन पे स्टे की हम बात करें तो सबसे अच्छी चीज होती है, जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है, कि आपको प्री बुक करना बेस्ट रहता है। प्री बुक करेंगे डॉर्मेट्री या रूम तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि दुर्गा भवन, आप मनोकामना भवन, ये सभी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो भी भवन है वो सारे ऑनलाइन में श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है उसमें लिंक है, आप वहाँ से बुकिंग करें। अगर हम बात करें ऑफलाइन की तो ये टोटली डिपेंड करता है कि अवेलेबल है या नहीं। अगर आप माता वैष्णो देवी यात्रा जून जुलाई के मंथ में करना चाहते हैं तो अपनी बुकिंग्स जितनी भी है बैटरी कार की, रूम की या फिर रोपवे की, सभी बुकिंग्स करके आए, बिकॉज भीड़ काफी ज्यादा होती है ड्यूरिंग समर वेकेशन, यहाँ पे काफी रश होता है। तो आप सारी बुकिंग्स करके यहाँ ऑफलाइन में एकोमोडेशन, रूम और डॉर्मेट्री मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो सारी बुकिंग्स आप करके ही यात्रा प्लान करें। तो अगर आपको रिटर्निंग में बैटरी कार की पर्ची अगर आपको लेनी है, आपका ऑनलाइन अगर टिकट है, तो मनोकामना भवन पे यहाँ पे काउंटर है बैटरी कार का, ठीक है। आपको यहाँ पे लाइन में लग के, जो शाम को 7:30 बजे काउंटर ओपन होता है, यहाँ पे आपको लाइन में लग के आपको अपनी पर्ची लेनी होगी और फिर जाना होगा बैटरी कार सेंटर पे आगे। हम पहुंच चुके हैं माता अर्धकुमारी मंदिर पे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डोनेशन काउंटर, पर्ची काउंटर नंबर 2, और ब्लैंकेट आप अगर देना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये डोनेशन काउंटर रहा, वो गर्भजून पर्ची काउंटर, वो रहा सामने गर्भजून पर्ची काउंटर। तो जो यात्री गर्भजून गुफा की दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करके चले, अपने स्टे का ऑप्शन बुक करके चले ऑनलाइन, बिकॉज जो वेटिंग टाइम अभी था वहाँ पे अराउंड 48 आवर्स से मैक्स आपको वहाँ पे रुकना पड़ सकता है। गर्भजून गुफा के लिए जो वेटिंग टाइम आपको पर्ची मिलती है, वो जो नंबर आपको प्रोवाइड होता है उसके अकॉर्डिंग प्लान करके चले। बाणगंगा का जो मार्केट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वही अगर आप बाणगंगा चेक पोस्ट से एंट्री लेते हैं, अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं, तो आपको स्टार्टिंग से ही मार्केट्स मिलने शुरू होंगे। और यह जय माता दी। सारे नौ देवियों के रूप आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं चरण पादुका में। माता वैष्णो देवी की यात्रा समाप्त होने के पहले माता सरस्वती, शिव जी और पार्वती जी का भी आशीर्वाद लेना ना भूलें। तो हम पहुंच गए हैं बाणगंगा। यहां पे गुलशन कुमार जी द्वारा स्टार्ट किया हुआ डीसीएस का लंगर बिल्कुल ना भूले खाना। तो अब मैप की हेल्प से देखते हैं कि हमें
कौन से रास्ते से जाना है और कितना डिस्टेंस होगा और क्या क्या सर्विसेज उस रास्ते पे हमें मिलेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं बाणगंगा मार्ग से। बाणगंगा मार्ग जो अर्धकुमारी तक के लिए आपको 6 किलोमीटर का पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले आप बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करेंगे। 1 किलोमीटर पे आप बाणगंगा के दर्शन करेंगे जहां पे अपनी माता ने अपने बाल धोए थे। और उसके बाद जब आप 2.5 किलोमीटर टोटल कंप्लीट कर लेंगे तो आप चरण पादुका मंदिर दर्शन करेंगे माता के। आप उसके बाद 6 किलोमीटर अर्धकुमारी माता का मंदिर आता है, आप दर्शन कर सकते हैं। तो बाणगंगा मार्ग पे मेनली पिट्ठू पालकी और घोड़े का सर्विस है। अगर आप इसके थ्रू जाना चाहते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। जो अगर हम बात करें ताराकोट मार्ग की तो वहां से पैदल के लिए ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये रास्ता बहुत नीट एंड क्लीन है, चढ़ाई भी उतनी खड़ी नहीं है। 1 किलोमीटर ज्यादा आपको पड़ेगा ये, अगर हम स्टार्ट करें कटरा से अर्धकुमारी मंदिर तक के लिए तो 1 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है ये। बट ये रास्ता बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड सेफ है, बहुत सारी सर्विसेज आपको इसमें मिल जाती है, तो आप इजिली अपनी पैदल यात्रा को यहाँ से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे अर्धकुमारी मंदिर हम पहुंच गए, और अगर आपको बैटरी कार की आपकी बुकिंग है तो आपको वहां से नॉर्मली काउंटर से स्लिप लेनी है और अपना वहां से स्टार्ट कर सकते हैं भवन के लिए। अगर आपको पैदल चलना है तो पैदल के लिए सबसे बेस्ट है हिमकोटी मार्ग, जो कि नया मार्ग है और इसमें बहुत खड़ी चढ़ाई भी नहीं है। जो पुराना रास्ता है जो कि हथी मथा मार्ग और सांझी छत होते हुए जाता है, वो थोड़ा लंबा रूट भी है और ये बहुत खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है और इसमें घोड़े पिट्ठू पालकी ज़्यादा चलते हैं, तो इसमें आपको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ज़्यादा बेटर है आप हिमकोटी मार्ग से अपनी अर्धकुमारी से माता के भवन तक की यात्रा को कम्प्लीट करें, अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो। सो अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर सर्विस लेने के लिए मेनली आपको ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, उसे आपको बुकिंग करनी होगी। ऑनलाइन बेटर है आप कर ले, ऑफलाइन में आपको वेटिंग लाइन बहुत ज्यादा मिलेगी। तो ऑफलाइन में हाई चांसेस है कि आपको टिकट नहीं मिलेगी, तो ऑनलाइन में आप पहले 1-2 मंथ पहले चेक करना स्टार्ट कर दें सो दैट आपको टिकट मिल जाए। और इसके चार्जेस होंगे 2100 पर पर्सन कटरा से सांझी छत, एंड वापसी का भी सेम 2100 पर पर्सन। और ये आपको ड्रॉप करेगा सांझी छत पे, जहां से आपको 2.5 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है माता के भवन के लिए। आप वहां जाके घोड़ा पिट्ठू पालकी या पैदल चल सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो माता के भवन पहुंचिए, माता के दर्शन कीजिए, उसके बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने होंगे, जिसके लिए अराउंड 2 किलोमीटर का आपको रास्ता कवर करना होगा माता के भवन से। वहां भी आपको घोड़े पिट्ठू पालकी की सर्विस मिल जाएगी अगर आप लेना चाहते हैं। अदरवाइज स्टेयर्स भी है, स्टेयर्स ज्यादा जो लाइक जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर ओल्ड एज है, वो स्टेयर्स का यूज नहीं करे, ज्यादा थकान होगा, बट वो स्टेयर्स से आप जल्दी कवर कर पाएंगे डिस्टेंस को। सो जो यंग एज है वो इजिली प्रेफर कर सकते हैं चढ़ाई करना चाहते हैं तो। और जो नेक्स्ट है वो केबल कार की सर्विस रिसेंटली स्टार्ट हुई है, तो इसमें आपको 100 रुपीज का चार्ज रहता है टू एंड फ्रो, जिसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं जैसा कि मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। तो चलिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स और जो हमने एक्सपीरियंस किया अपनी यात्रा के दौरान और जो हमें लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप मेडिसिंस जरूर कैरी करें, जो भी आपको लगता है पॉसिबिलिटीज कि ये मेडिसिंस मेरे पास होनी चाहिए ड्यूरिंग द ट्रैवल, बिकॉज डिस्पेंसरीज आपको रास्ते में यात्रा के ड्यूरिंग मिल जाएगी, बट फिर भी जैसे आप फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से, किसी से भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपने लिए पर्सनल हमेशा 24/7 मेडिसिंस रखें। देन आप एक चीज़ हमने रास्ते में देखा कि बहुत सारे लोगों के फैमिली पर्सन मिसिंग हो गए थे, बिकॉज इतना ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग एक दूसरे से अलग हो जा रहे थे, और बाद में इंक्वायरी काउंटर के थ्रू बहुत सारे अनाउंसमेंट भी हो रहे थे। बट इट्स बेटर अगर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उनके साथ ही रहें, उनके साथ ही चलें और आप पूरी सेफ्टी का ख्याल रखें। देन ग्लूकोज जरूर कैरी करें, बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग द जर्नी। खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है चढ़ाई के टाइम में, तो आप ग्लूकोज या फ्रूट अपने पास रखें, खाते चलें और ग्लूकोज पीते चलेंगे। लंगर है वहाँ पे रास्ते में, आप लंगर में खा सकते हैं। लंगर में एक रूल है, आप खाना बिल्कुल भी एक भी दाना अन्न का वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो किसी के लिए यूज आ सकता है, तो इस बात का प्लीज ख्याल रखें। उसके बाद जो RFID कार्ड का था, RFID कार्ड का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 6 आवर्स की वैलिडिटी होती है, इस बात को प्लीज आप मेक श्योर करना कि 6 आवर्स जब आप बना लो RFID कार्ड, तो 6 आवर के विदिन ही चेक पोस्ट, जो भी बाणगंगा चेक पोस्ट से आपको क्रॉस करना है या फिर ताराकोट मार्ग से, तो चेक पोस्ट को आप विदिन दैट 6 आवर क्रॉस करते हैं।
तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, आप अगर आरती के समय पहुंचेंगे तो उस टाइम भक्तों को दर्शन के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, सो आप अपनी यात्रा को उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, यूजफुल लगी आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस नहीं करें, सो दैट आपको सारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दिस इज प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लव बर्ड्स। स्टे हेल्दी, स्टे चीयरफुल। जय माता दी, हर हर महादेव।